पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द तो था ही पहले से, और बीपी लो तो इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। तो जिया को सीधा लेके जाना पड़ेगा, अब लगता है डॉक्टर के पास। जब भी हम छत पर आते थे तो हम बोलते रहते थे कि काश बारिश हो, बारिश हो। अब तो बारिश हो गई है, और बारिश के बाद जो अभी का मौसम है, बड़ा मस्त मौसम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लग रहा है कि हाफ टी शर्ट भी क्यों पहने हुए हैं, फुल स्लीव टी शर्ट पहनना चाहिए, क्योंकि फील हो रहा है ठंड। आज जो उठने में जी आसकत जो लग रहा था, पूछिए मत। पिछले 3 दिनों से जो है वॉक करने नहीं आए थे, या अच्छा 2 दिनों से नहीं आए थे, तो 2 दिन जो उधर गैप हुआ, तो आज उठने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। आज भी लग रहा था कि छोड़ो टाल देते हैं, लेकिन किसी तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर जोर डाल करके उठ गए, और जब उठ करके आ गए तो लग रहा है कि नहीं आते तो बड़ा खराब रहता। क्या चल रहा है? फूलों की सफाई सूख गया, उसको हटा दे। उसे भी हटा दो, गुलाब से भी। गुलाब को रहने दे, जो भी सूखा हुआ है बस उसको हटा दो। फाइनली जी हो गया वॉक, अब सीधा चलते हैं नीचे। आज यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारे कद्दू कटा हुआ है, और साथ में परवल है, और उधर टिकोला। तो लगता है आम की चटनी बनने वाली है क्या? गुरम्मा बनाएंगे। गुरम्मा बनेगा, वाह बढ़िया है। आम का अचार भी बना देना। बैठले था खाली फरमाइश रहे छो। खाने का तो बिल्कुल रहना ही चाहिए। बैठल रहा फरमाइश। कद्दू का सादा सब्जी, मूंग का दाल, और आम का गुरम्मा। जब तब नहा सुना पूजा पाठ करेंगे तब टाइम मिलेगा तो छीले लू उसको, नहीं तो धो के पैनी में पैक करके फ्रिज में रखते हैं। कोई नहीं जिया, बैठे बैठे कर देगी जो भी अचार का चीज होगा, क्या दिक्कत? छील देगी तब अचार बन जाएगा, नहीं तो हम अपना धीरे धीरे छीलेंगे। नहीं छील देगी, क्या दिक्कत? आज तो तेरा इस बात का ना है, बैठे रहेंगे दिन भर, जितना सब्जी बनाएगा पैसा रहना चाहिए। सारा सब्जी वाला सब्जी लेंगे। पूरा इतना साग है नीचे, और हम बोले कि जो कि बहुत आइटम पहले से तैयार है, तो बोलते हैं आज कोई बात नहीं, रविवार है 3 बजे तक बना। और दूसरा कि ये है कि आज दूध भी बहुत ज्यादा खर्चा होगा, नहीं आ दिन भर चाय का भी राउंड पर राउंड चलेगा। ठीक है, तो दूध चाय का भी राउंड चलेगा पूरा, 3 बार 4 बार 5 बार कितना बार। जिस समय हम लोग अभाव में थे, समय तो एक जैसा सब दिन नहीं रहता है, तो उस समय भी श्याम देव कम बेस करते ही रहते। अभी तो ईश्वर के दया से खाने पहनने के लिए दिक्कत नहीं, शायद उनकी कृपा दृष्टि भगवान की रही तो बाल बच्चे को भी नहीं रहेगा। आज मैं सुबह सुबह बोली कि आज दूध जो है रहने देना, नहीं तो आज दूध दिन भर चलेगा चाय। तो वे बातें दूध लेते आते हैं, साथ में मेहंदी लेते आते हैं, और साथ में तुम्हारा तिल का तेल लेते आते हैं, भगवान का तेल, और उसके बाद 3 पैकेट मेहंदी, एगो डैडी का एगो मेरा। चलते हैं जी दुकान पर, बाहर आ गए हैं। धूप इतनी तेज है पूछिए मत, इस धूप की वजह से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर बकरियों का झुंड लगा हुआ है, अपना शेड में बैठे हुए हैं बेचारे, इनको भी धूप लग रहा होगा, तो एक शेड मिला हुआ है दीवार का, तो इस साइड ये लोग सब बैठे हुए हैं। नमस्ते आंटी, तिल का तेल दीजिएगा 1/2 लीटर वाला। नूपुर मेहंदी होगा? नूपुर मेहंदी, हाँ हाँ दीजिएगा 3। दूध चाहिए था 1 लीटर, हो गया बस। फाइनली जी आ गए दुकान से, और जैसे ही आए हमें मिल गया मैंगो शेक। तो जिया पीती है बनाना शेक, हम पीते हैं मैंगो शेक। उधर बनाना शेक पी करके तुम्हारा पेट है तना टन, तो क्या पिएगी तुम? हमको पीना ही नहीं। कोई बात नहीं, तो यहाँ जिया जो है अपना मेहंदी लगा रही है, तो जल्दी से मेहंदी बनाओ। भाई साहब काट लिया है तरबूज, अब इस तरबूज को जा करके सीधा नीचे दे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जी ट्राइपॉड लगा हुआ है, बेचारी जिया सोची थी शूट करेंगे, और वैसे ही हमसे शिकायत रहता है कि आप जो है ज्यादा वीडियो में आते हैं नहीं शॉर्ट्स में। सिर्फ मेरा शिकायत नहीं रहता, बहुत सारे ऑडियंस का भी रहता है कि आप जो है आजकल वीडियो में दिखते नहीं हो इंस्टाग्राम रील में, शॉर्ट्स में, इन सब चीजों पर, क्योंकि सिर्फ मैं ही बनाती हूँ। तो हुआ क्या जी, आज हम हो गए तैयार कि अब हम शूट करेंगे, और लाइट चली गई, इसलिए आधे घंटे से बिजली है गुल। कब से वेट कर रहे हैं, वही तो बोले भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं या मेरे साथ ही आपके साथ? वैसे तो बनाते हो नहीं कभी आप, जब बनाते हो तो लाइट कट गई। आ गए जी सुबह सुबह टहलने के लिए, मौसम भी बड़ा मस्त है, अगर मौसम सही रहता है तो घूमने का मजा जो है थोड़ा और बढ़ जाता है। अब देख रहे हैं यह जो पौधा है इसमें भी फूल खिलना स्टार्ट हो गया है, कनेल के तरह का है लेकिन यह कनेल है नहीं, तो देख रहे हैं और सब भी है चांस कि और भी जगह सब फूल आएगा, तो जब आएगा तो मजा आएगा। यह जो गमला है इस गमले में इतना फूल हो गया है, देख सकते हैं पूरा भर गया यार, इस पौधे ने मजा दे दिया। वॉक करने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ सबके लिए चाय, सबको चाय दूंगी, और यहाँ पति देव क्या कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ, जब मैं चाय बोल जाएगा उसको कम करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। पति देव क्या कर रहे हैं आप? देख रहे हैं ठीक है। तो परिदेव तो चले गए, अभी मैं बनाऊंगी गुड़ वाली चाय सबके लिए, तो बनाते हैं। अपना टेबल हो चुका है जी तैयार, सब कुछ कर दिया साफ सफाई, अब उसके बाद बैठते हैं अपने काम पर।
इधर जिया काट रही है जी सारा पपीता, तो जल्दी से काट लिया जाए, मुझे भूख लगी है बहुत तेज, जानती है ना जैसे ही ब्रश लगाते हैं मुंह में भूख लग जाती है तुरंत, इसीलिए तो बैठ गए काटने, सोचे क्या दें क्या दें, फिर याद आया जा पपीता लाए हैं अभी तक काटे नहीं। तुम पपीता इधर काटो, तब तक हम इधर बनाना शेक बना देते हैं तुम्हारा। गल गया है। दूध में मिला हुआ रहेगा, ड्राई फ्रूट रहेगा, चीनी रहेगा, क्या है रहा, कोई टेस्ट ही पता नहीं चलेगा। हमारा यहाँ पर नाश्ता तैयार है जी, इधर दिया का बनाना शेक भी तैयार है। सही में मम्मी कह रही है 6-7 दिन में कहानी प्लेन है तुम्हारा, खाने के लिए बोल रही है। अच्छे से खाओ। बेचारी जिया जो है सोते जा रही है, उसका डिलीवरी हो गया, इसका डिलीवरी हो गया। जिया सोच रही है हमारा नंबर कब आएगा। इसको पेट में बहुत मजा आ रहा है। आज लग रहा है कि बहुत दिनों बाद आलू का भुजिया घर में बन रहा है, पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन और कद्दू यही सब बन रहा है, कद्दू तो ऐसे आज भी है। तुमको याद नहीं रहता कद्दू सब दिन बनेगा, इसलिए हरा सब्जी है, पौष्टिक है, साग बनेगा हरा सब्जी, साग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कद्दू से दिक्कत है। कद्दू भी बनेगा, सोयाबीन परवल सब दिन बनेगा, भिंडी झींगा सब बनेगा। आलू का भुजिया जो है लगभग रोजे बनता है, या परवल में डाल के या करेला में डाल के, वैसे तुम लोग को याद नहीं रहता। नहीं बस प्लेन आलू का भुजिया नहीं तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, बनाते हम समय अनुसार बनाते रहते हैं। नहा लिए जी, नहा करके होके फ्रेश, और घर में जो है अब थोड़ा दूध की कमी हो गई है, पापा की छुट्टी है तो घर में जब भी पापा रहते हैं तो चाय अच्छा खासा बनता है, तो दूध ले आते हैं, चाय के लिए कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ जिया का देख रहे हैं जी ब्लड प्रेशर, कितना ब्लड प्रेशर है जिया का, ब्लड प्रेशर जो लग रहा है कम है, बाकी देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, 84/56 बहुत ही ज्यादा कम है, सुबह से लग ही रहा था बहुत कम। जिया की हो गई है तबीयत खराब, जिया का सर दर्द कर रहा है काफी ज्यादा तेज, पता नहीं क्या हुआ है, जिया जा करके नहा लूं तुम? नहीं, गिर गई जैसे गिरने लगेगी आवाज दे दे। ठीक, आपको अभी भी मजाक सूझता है? नहीं मजाक की बात नहीं है, हम चाह रहे तुम नहाने जाओ, बेड ठीक नहीं किया, बेड ठीक हम कर देंगे, आप कैसा करते हैं हमको पता नहीं है क्या? हम जैसा भी करेंगे कर देंगे ना, बस कुछ भी नहीं करते हैं आप, हम खुद करेंगे। अभी अभी जिया सो करके उठी है, हम भी थोड़ा सा नींद मार ली, अपना काम पर बैठ गए, उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर नारियल पानी तरबूज सब कुछ शॉर्ट हो चुका है, और इतनी धूप है, हम सोचे कि थोड़ा धूप जो है कम होगा फिर निकलेंगे, लेकिन धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई बात नहीं, शाम में जाइएगा। शाम में नहीं जाएंगे, एक बार हम काम पर बैठ जाएंगे फिर उसके बाद उठेंगे नहीं, जानती है ना 9 बजे से पहले नहीं उठते। सभी लोग दिन में काम करते होंगे और रात में आराम करते होंगे, हमारा उल्टा ही है, रात में ही काम करते हैं दिन में आराम करते हैं। इनको कितना भी कह लो कि आप मॉर्निंग में सारा काम कंप्लीट करके आराम से रात में और शाम में टाइम अपना मूवी देखिए, जो भी देखना है वो करिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन नहीं इनको रात में ही। तो अभी चलते हैं जी मार्केट, मार्केट से जो भी सामान बचा हुआ है लेकर के आ जाते हैं। कैसे तरबूज? 20 रुपये। चलिए 2 नाप दीजिए। कितना हुआ? 2.5 का। कितना हुआ बीजे? 50। ये कैसे अनार? 250। बड़ा रेट है वो। संतरा कैसे है? 120। देखिए कितना हुआ, 1 kg 100। 50 का रेट होगा 60 रुपये पूरे। अब जो ले ले लिया जी, जो भी फल लेना था, तो ज़्यादा फल का दुकान खुला नहीं है, जितने भी खुले हुए हैं दाम जो है जी भयंकर बढ़ा के रखे हैं। तो जी फाइनली पतिदेव आ गए मार्केट से, और मेरे लिए लेके आए नारियल पानी, क्योंकि 2 दिन से नारियल पानी खत्म था, तो आज ये लेके आए, तो हम पीते हैं नारियल पानी, और उधर देखते पतिदेव क्या कर रहे हैं, उधर देख सकते पतिदेव क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? तरबूज काट रहे हैं। इनका तरबूज बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा। चेक करके लेते हैं आप? चेक करके, कई बार खराब भी निकल गया है, उस समय से अलर्ट हो जाते हैं। और ये कैमरा देख सकते हैं, इसी से बाहर का जितना भी वीडियो शूट होता है उसी से होता है। अब इसमें डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ डाउनलोड चल रहा है, और ये कैमरा जो भी अभी आप बाहर का सीन देखिएगा वो इस कैमरे का होगा, है ना? बिल्कुल। A few moments later. जी यहाँ पर काम कर रहे थे, जिया वहाँ बैठी हुई थी अपना मोबाइल चला रही थी, फिर अचानक से लेट गई, इसको पेट दर्द इतना तेज शुरू हो गया, पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द तो था ही पहले से, और बीपी लो तो इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। तो जिया को सीधा लेके जाना पड़ेगा, अब लगता है डॉक्टर के पास, अगर यह ठीक नहीं हुआ। वैसे इस तरह का कॉम्प्लिकेशन जो है कुछ दिनों से आते ही जा रहे जिया, कमर में बहुत ज्यादा हो रहा है। जितने भी जानकार से जिया के बारे में मैं पूछता हूँ कि जिनको भी इन चीज का एक्सपीरियंस हो, तो वो सभी बताते हैं कि समय लगता है, नजदीक आ रहा है डिलीवरी का, इसलिए ऐसा हो रहा है,
और जिया का कष्ट जो है बढ़ते जा रहा है। तो सभी लोग बताते हैं कि आखिरी समय में जो है कष्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं जी जल्दी से यह समय खत्म हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कष्ट में है ये, और रात भर देखते हैं ये सोती नहीं है, दिन में भी थोड़ा सोने भेजते हैं, कुछ देर सोएगी फिर नींद खत्म इसका। तो इस तरह से हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं जी जल्द यह सिचुएशन खत्म हो, और जो सभी लोग गुड न्यूज का वेट कर रहे हैं जल्दी से वो गुड न्यूज आ जाए।